So now after discussing the short answer type questions, we will discuss the long answer type questions. So question number one, explain the major key features of federalism. अब की फीचर्स क्या हैं फेडरलिज्म के, वो हमें बताने हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मे बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. बेसिकली फेडरलिज्म में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है. बट इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए यहाँ पे थर्ड लेवल भी है, दैट इज़ द लोकल लेवल. जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है वो स्टेट के लिए होती है पर्टिकुलर, और जो सेंट्रल होती है वो पूरी कंट्री के लिए होती है. सेम सिटीजन्स सेपरेट ज्यूरिस्डिक्शन. अब पूरी कंट्री में सिटीजन्स तो सेम है बट जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट का अलग ज्यूरिस्डिक्शन है, एक सिटी का अलग ज्यूरिस्डिक्शन है, एक कंट्री का अलग ज्यूरिस्डिक्शन है. अगर सिटी में कोई चीज़ होती है तो सिटी के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है या जुडिशरी बॉडी है वो एक्टिव होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस चीज़ को सॉल्व करना. वैसे ही अगर पूरे इंडिया में अगर कोई चीज़ होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ठीक करना. सो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सुपीरियोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है कि स्टेट के पास कितनी पावर है, सेंटर के पास कितनी पावर है, किस गवर्नमेंट के पास क्या अथॉरिटी है. ऑल दीज थिंग्स आर मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है? जो फंडामेंटल प्रोविजन्स है कॉन्स्टिट्यूशन के उनको चेंज नहीं करा जा सकता यूनिलैटरली. इफ स्टेट गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू चेंज इट और द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू चेंज इट, दे हैव टू कम टुगेदर and have a clear vote in the parliament regarding the law, then only these provisions can be changed or amended in the constitution. Supreme authority of the courts. अब इंडिया की फेडरलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है लेजिस्लेचर है. लेजिस्लेचर यानी हमारा पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव यानी कि हमारे ऑफिसर्स, पुलिस, ये सब ये इंटरकनेक्टेड है. बट जुडिशियरी इज टोटली डिफरेंट एंड इट डजेंट कम अंडर द लेजिस्लेटर. जो हाइएस्ट कोर्ट है वो एक्ट करती है एज एन एम्पायर. अगर कोई प्रॉब्लम होती है स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई इश्यूज होते हैं तो जो कोर्ट्स होती हैं वो क्या करती हैं, इंटरप्रेट करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म करती है. डुअल ऑब्जेक्टिव. फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यूनिटी प्रमोट करना कंट्री में और सेम टाइम पे रीजनल डाइवर्सिटी भी अकोमोडेट करना. मतलब यूनिटी भी लगे और जितनी रीजनल डाइवर्सिटीज है वो भी साथ में रहें. सो दीज आर द की फीचर्स ऑफ फेडरल. क्वेश्चन नंबर टू, डिस्टिंग्विश बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. तो मैंने आपको लेक्चर वीडियो में भी बता रखा है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन वो होता है जिसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिग यूनिट. अंडर दिस ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट हैव इक्वल पावर. सो कंट्रीज लाइक यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, दे हैव अ लॉट ऑफ स्टेट्स और ईच स्टेट के पास पावर होती है, इंडिविजुअल पावर होती है और वो इक्वल रहती है. होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में ऐसा होता है कि बहुत बड़ा यूनियन होता है, कंट्री होती है और उसमें कंट्री पावर डिवाइड करता है वेरियस स्टेट्स में. होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल. लाइक इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल. सो इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस. क्वेश्चन नंबर थ्री, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, एक्सप्लेन बाई गिविंग एग्जाम्पल्स. तो हमें यह बताना है कि इंडिया फेडरल कंट्री कैसे है. सबसे पहले डिविजन ऑफ पावर्स. यस, कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर्स को डिवाइड करता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स थ्रू लिस्ट. तीन लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट. तो इससे ये पता लगता है दैट पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर. थ्री टीयर सिस्टम. अंडर फेडरल गवर्नमेंट डिफरेंट टीयर्स होते हैं एंड इन इंडिया वी हैव थ्री टीयर्स, यूनियन, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. थर्ड, नॉट इक्वल पावर्स टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं इंडिया में उसमें अलग अलग पावर्स हैं, अलग अलग पावर्स दी जाती हैं स्टेट्स को. जे एंड के ऐसा स्टेट था पहले जिसे स्पेशल कैटेगरी में स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था लेकिन अब वो रिवोक होता है. कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट. इट मींस इन अ फेडरल कंट्री फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड. मतलब कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे इंडिविजुअली
तो वो जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फंडामेंटल चीज़ें लिखी गई हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते।